हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं एक वेडिंग गेस्ट मेकअप आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे पॉन्ड्स लाइट मॉइस्चराइज़र अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और अपने फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे स्विस ब्यूटी का ये हाइलाइटिंग प्राइमर ले रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छा आपके फेस पे एक मस्त वाला ग्लो आता है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे फेस पे कितना अच्छा इसको लगाने के बाद एक ग्लो आ गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे लॉरियल का ट्रू मैच फाउंडेशन ले रही हूँ, जो कि मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंग है। तो इसको मैं अच्छे से अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी और अब ये ब्यूटी ब्लेंडर से मैं इसको डैप डैप करके अपने पूरे फेस पे इस तरह से फाउंडेशन को पूरी तरह से अपने फेस पे अप्लाई करके सेट कर लूँगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, उसकी सेट करने से क्या होता है कि आपका जितना अच्छा आप इसको डैप डैप करेंगे उतना अच्छा आपका ग्लो आता है। उसके बाद यहाँ पे हुडा ब्यूटी की मैं ये पैलेट ले रही हूँ और सबसे पहले हमको लेना होता है सबसे लाइट शेड, ट्रांजिशन शेड कोई सा भी ले सकते हैं आप, पिंक, ब्राउन, लाइट ब्राउन कोई भी ले सकते हैं। तो उससे ही हमें स्टार्टिंग करनी होती है अपनी आई शेडो की। उसके बाद हम उसके बाद एक डार्क शेड लेते हैं, जिससे कि हमें अपनी क्रीज लाइन पे उसको आपस में मर्ज करके अच्छे से लगाना होता है, जैसे कि आप मुझे देख सकते हैं। तो डार्क लाइट शेड के बाद ही हमें एक डार्क शेड लेना होता है, जिससे आपका आई शेडो काफ़ी अच्छा लगता है। तो अभी मैंने यहाँ पे दोनों आईज पे अपने अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे ये स्विस ब्यूटी की हाइलाइटिंग टाइप की जो पैलेट है उसमें से ले रही हूँ एक और पिंक शेड और इसको अपने लिड पर ही लगाऊँगी मैं, ज़्यादा ऊपर नहीं लगाना है इसको, अपनी आई लिड के ऊपर ही थोड़ा थोड़ा आपको अच्छे से लगाना है, क्योंकि हम यहाँ पे एक वेडिंग गेस्ट लाइट मेकअप कर रहे हैं तो हमें बहुत ज़्यादा ज़्यादा नहीं लगाना है, इसे हल्का ही लगाना है। तो अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ स्विस ब्यूटी का वाटरप्रूफ आईलाइनर, जो कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है ये। तो इस तरह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा विंग शेप में दे रही हूँ अपने आईलाइनर को। तो विंग से क्या होता है कि काफ़ी अच्छा आपका आईलाइनर लगता है, तो मुझे विंग लगाने में काफ़ी मज़ा भी आता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। विंग आईलाइनर से आंखें आपकी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट भी होती हैं। तो यहाँ पे मैंने अपने आईलाइनर को अच्छे से विंग देके लगा लिया है और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ये ADS का लूज़ पाउडर है। लूज़ पाउडर से क्या होता है कि आपका एक तो मेकअप काफ़ी देर तक स्टे करता है और आपका जो मेकअप है अच्छे से सेट भी हो जाता है, इससे आपका फेस काफ़ी ग्लो करता है। तो इसके बाद मैं इसे अपने पूरे फेस पर अच्छे से इसको सेट कर लूँगी और इससे मेकअप भी आपका काफ़ी हद तक काफ़ी सेट भी हो जाता है और काफ़ी हद तक अच्छा भी लगता है। तो ये येलो शेड में होता है, जो कि आपकी स्किन टोन पे एक अच्छा सा ग्लो देता है। तो इस तरह से मैं अपने फेस पे इसको पूरी तरह से अप्लाई कर लूँगी। उसके बाद मैं यहाँ पे लगा रही हूँ अपने आईज़ में काजल। तो काजल आप कोई भी ले सकते हैं, जो भी आप लगाते हो वो काजल आप अपना ले सकते हैं। तो ये मेबेलिन का काजल है। उसके बाद यही जो पैलेट स्विस ब्यूटी की है उसमें से ब्लैक शेड लेके मैं अपनी आईब्रो जो है उसको फिल कर लूँगी, क्योंकि मल्टीपर्पज़ होती हैं पैलेट्स। तो आप इसमें से अगर कोई डार्क शेड आपको लगता है तो आप उससे भी अपने आईब्रो को फिल कर सकते हैं, तो अच्छे से फिल हो जाती है। तो अभी मेरी आईब्रो अच्छे से फिल हो गई है। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फेस को ब्लश लगाने के लिए मैं ये है स्विस ब्यूटी की हाइलाइटर पैलेट और इसमें आपको 4 शेड्स मिल जाते हैं जो कि काफ़ी सुंदर हैं। और ये पिंक जो ब्लश है, ब्लश सच में काफ़ी सुंदर ब्लश लगता है मुझे लगाने पर और इससे एक अलग सा फेस लगता है लगाने के बाद, एक अलग सा फेस मतलब आपको लगता है मेकअप के बाद। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट शेड है जो कि हाइलाइटर के लिए है, तो मैं उसको अपने चिक बोन के उसके ऊपर ही अप्लाई कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने ब्लश लगाया है उसके ऊपर हमें अप्लाई करना है ब्लश के ऊपर। और उसको मैं अपनी नोज़ पे, अपनी लिप्स के ऊपर, टी जोन में, जहाँ पे भी हमें लगता है कि हमें अपने फेस को ग्लोइंग दिखाना है वहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो इस तरह से मैं अपने फेस पर अप्लाई कर लूँगी। देखिए कितना अच्छा ग्लो आ रहा है उसको लगाने के बाद। बस लास्ट में क्या है, मैं अपने जो भी आपकी कोई भी फेवरेट लिपस्टिक हो वो आप अप्लाई कर लीजिए तो आपका लुक कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे मैं लगा रही हूँ ये पिंकिश लिपस्टिक, जो कि एक ब्राइट शेड है, तो शादी
शादी में मुझे ब्राइट शेड्स लगाना काफ़ी पसंद है, अच्छा लगता है, इससे एक फेस आपका काफ़ी ग्लोइंग लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की ही लिप लाइनर, इससे मैं अपने जो लिप्स है उसको एक शेप भी दे दूँगी, और मुझे लिप लाइनर से लगाने से लिपस्टिक का लुक ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं लिपस्टिक लगाने के बाद ही लिप लाइनर लगाती हूँ। इससे काफ़ी अच्छा आपका जो एक लिप्स की शेप होती है ना वो काफ़ी अच्छे उभर के आती है। तो अब मैं यहाँ पे लिपस्टिक का लिप लाइनर जो है उसे अप्लाई कर लूँगी और आपस में दोनों को मर्ज कर लूँगी। देखिए कितना अच्छा सुंदर कलर बन गया है। तो मेरा ये जो मेकअप था वो तो हो गया है कम्प्लीट। अब मैं इसे कम्प्लीट करने के लिए ये स्विस ब्यूटी का मेकअप फिक्सर है उससे अपने मेकअप को फिक्स कर लूँगी। तो ये है मेरा फाइनल लुक फ्रेंड्स, होप कि आपको पसंद आया होगा आज का ये मेरा वीडियो। अच्छा लगा होगा तो फ्रेंड एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मैं मिलती हूँ फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।